फरुखाबाद में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान को ऑपरेटिव बैंक के वार्षिकोत्सव वार्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। सपा ने यूपी में सहकारिता को कैप्चर कर लूट का बयान था। साधन देश में सहकारिता को डिजिटल कर पहुंचाया, किसानों को लाभ, किसान आंदोलन को लेकर दिया बयान। किसान नहीं है देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ने को लेकर किसान नेता दे रहे विवादित बयान। ये सब तथा कथित किसान इस तरह की मांगे लेकर आ रहे हैं जिनको कोई पूरा नहीं कर सकता। ये सब मोदी की लोकप्रियता गिराने का एक षड्यंत्र है। बहुत सारे टूल आ रहे हैं और बहुत सारे टूल फेल हुए हैं। चुनाव में ऐसे बहुत से टूल आएंगे। चुनाव तक राम मंदिर पर जो कहा वो किया, कोऑपरेटिव बैंक में आए किसानों को सांसद ने किया संबोधित। 64वां वार्षिक सम्मेलन मना रहे हैं, किसानों को कहाँ तक लाभ पहुँचाएगा? देखो, एक सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे किसानों की एक जो आर्थिक परिस्थिति बदली जा सकती है, एक तरीके का एक आंदोलन है। और जहां पर भी इस पर सही से काम हुआ, जैसे महाराष्ट्र है, आप देखो कि वहां पर सहकारिता के माध्यम से किस प्रकार से किसानों की तरक्की हुई है, गुजरात है किस प्रकार से तरक्की हुई है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में और सहकारिता को खासकर समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कैप्चर करके उसको एक लूट का एक साधन बना दिया था। तो देश के गृह मंत्री मनी अमित भाई शाह का जब सहकारिता मंत्रालय मिलने के बाद आप देखो चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ में बदला है, कंप्यूटराइज किया है और आज उस माध्यम से अब आम किसान तक चीज़ें पहुँचें, सुविधाएं पहुँचें, उनको सारी सुविधाओं का लाभ हो, इसको लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम पूरी तरीके से किसानों को लाभ पहुँचा रहे हैं, इसके बावजूद भी दिल्ली में किसान जो है लगातार आंदोलित हैं, क्या लगता है? वो किसान नहीं है, आपने देखा होगा किस प्रकार से उसमें से उनका एक नेता बोलता है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको किस प्रकार से कम किया जाए, इसको किस प्रकार से बदनाम किया जाए। तो ये कुछ इस प्रकार के तथाकथित लोग हैं जो अपने को किसान कहते हैं और इस प्रकार की डिमांड्स जो लेकर आ रहे हैं कि जो शायद उन डिमांड को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि वो तो केवल मोदी जी का लोकप्रियता गिराने का व्यवस्था बनाए रखेंगे। क्या 2024 के चुनाव में जो है मिशन मोदी को लेकर घबराए हुए विपक्ष इस तरीके के कदम उठा रहा है? देखो, हमने कहा ना कि देखो बहुत सारे टूल्स इस साल आए, बहुत सारे टूल्स फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। अभी तो चुनाव में है, का टूल्स और भी होंगे आने को, लेकिन आने दो, देश की जनता सब समझ रही है, सब देख रही है कि राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर राम मोदी मैजिक तीसरी बार चलने जा रहा है। देखो, राम मंदिर के नाम पर इसको इसलिए नहीं कहना चाहिए कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ आधार है, जनाधार है, वो भगवान राम के आशीर्वाद से ही है। तो कुल मिलाकर हम राम के मंदिर के नाम पर नहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से अपने काम के ऊपर जो मोदी जी ने कहा वो मोदी जी ने किया और ये उनकी विश्वसनीयता मोदी की गारंटी के नाम पर ही चुनाव होने जा रहा है। कन्नौज क्या एक बार फिर अखिलेश का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये मेरा सौभाग्य होगा, 2009 में अखिलेश यादव मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, सॉरी 2009 में मैं अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 24 में अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या परिवारवाद सपा का इंडिया गठबंधन में फिर से सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, ये परिवारवाद की आपस में लड़ाई है और अखिलेश के परिवार का लाभ हो रहा है, अन्य लोगों को नहीं हो रहा है, आपस का लड़ाई है, वो चलती रहेगी। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।